आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं हूं डॉक्टर संतोष मंडलोई। हॉस्पिटल या फिर फील्ड में आजकल जो मादा पशु में हमें जो गंभीर समस्या देखने पर या फिर जो पशुपालक हैं उनके द्वारा बताने पर कि उनकी गाय या भैंस की उम्र 3 साल से भी अधिक होने पर भी वो अब तक पहली बार भी पर नहीं आ पा रही, जबकि एक बछिया पाड़ियों की अगर हम शुरू से अच्छी से देखभाल या फिर अच्छे से खुराक दें तो वो 1.5 से 2 साल की उम्र में पहली बार आसानी से हिट पर आ जाती है। अब पशुओं में हिट पर नहीं आने के वैसे तो बहुत से कारण हैं, जैसे पशु के पेट के अंदर कीड़ों का होना, पशु को जो हम आहार दे रहे हैं उसमें खनिज तत्वों की कमी होना यानी मिनरल्स विटामिन कैल्शियम फास्फोरस की कमी का होना, पशुओं को अधिक मात्रा में भूसा चारा खिलाना, ऐसे और भी ऐसे बहुत से कारणों के कारण पशु समय पर हिट पे नहीं आ पाता। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए किसान भाइयों की जिससे हमारा पशु समय पे हिट पे आ जाए, उसके लिए हमें सबसे पहले पशु चिकित्सक की सलाह लेना होगा। पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही हमारे जो मादा पशु है जो हिट पे नहीं आ पा रहे तो उनकी नियमित रूप से हमें डिवर्मिंग यानी पेट की कीड़ों के मारने की दवाई यानी कृमिनाशक दवाइयों हमें देना होगा, जैसे एल्बेंडाजोल, फेलबेंडाजोल, लियोमिजोल देना होगा। पशु को जो हम आहार दे रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उसको दाने खिलाने होंगे। उसके साथ पशु को प्रतिदिन हमें फीड सप्लीमेंट जो कि आजकल मेडिकल पे वहाँ पर आसानी से वहाँ पर हमको मिल जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे फीड सप्लीमेंट हमें आजकल वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन जैसे फुल मिन गोल्ड या फिर रिप्रो प्लस गोल्ड, ये जो फीड सप्लीमेंट है ये हमें सुबह शाम जो मादा पशु है जो हिट पे नहीं आ पा रही है इसको हम 50 ग्राम सुबह शाम 50-50 ग्राम हमें 10 से 15 दिन तक हमें इसको देना होगा। इसको देने से आपका पशु जो हिट पे नहीं आ पा रहा था वो समय पे हिट पे आसानी से आ जाएगा। और हिट पे आने के बाद आप अपने पशु को या फिर कृत्रिम गर्भाधान या फिर प्राकृतिक गर्भाधान करवाने के बाद भी ये फीड सप्लीमेंट खिलाने पे आपका पशु रिपीट भी नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पशु में इस तरह की गंभीर समस्या हो, आपके पशु बार बार पलट जा रहा या फिर हिट पे या फिर गर्मी में नहीं आ पा रहा, तो जो फीड सप्लीमेंट आपको मैंने बताया फुल मीन गोल्ड या फिर रिप्रो प्लस गोल्ड, ये अपने पशु को सुबह शाम 50-50 ग्राम 10 से 15 दिन देना होगा। इससे आपका पशु आसानी से हिट पे आ जाएगा और वो रिपीट भी नहीं होगा। धन्यवाद।